नमस्कार अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करुछु। रेंजर को चलाई चलाई नेले ग्रामवासी हाथी उपद्रव परे अतिष्ठ होई दुधियाणी रेंज घेरिबा सहित रेंजर को चलाई चलाई क्षयक्षति देखाइबा पाई नेले गीथीवासी ग्रामवासी मयूरभंज करंजिया उपखंड रे हाथी को उपद्रव जारी रहिछि। 26 टिकिया हाथी पल फसल नष्ट करिबा सहित पनीपरिबा चाष मध्ये नष्ट करुछन्ते। दुधियाणी रेंजर गीथीवास ग्रामवासी बाध्य होई हाथी घोड़ाइबा एवं क्षयक्षति दाबी नै रेंज ऑफिस घेराव करिबा सहित दुधियाणी रेंजर प्रवीर कुमार मुर्मू को वर्षा रे भिजाई भिजाई एवं चलाई क्षयक्षति स्थान को नैछन्ते। ए अंचल 22-25 हाथी बसा बांधिक रही थंडा हेले से बाहरी फसल नष्ट कर ए संपर्क में फरेस्ट डिपार्टमेंट को बार विभिन्न भाव में अवगत कराइले तार प्रतिकार व्यवस्था किसी करूना एपरिक जो आईनगत व्यवस्था रही चाषी मान मशाल जगे दिजिव चाषी मान बम जगे दिजिव चाषी मान समस्त प्रकार साहय कर हाथी घोड़ापी कि सब किसी करूना वर्ष तमाम चाष कर धान सब नष्ट हो गला नष्ट भी डिपार्टमेंट उचित कंपनसेसन दे पारना कौटी ना कौटी कंपनसेसन देवारे तो हेला करती चाषी दौड़ी दौड़ी एटी 6 मास वर्षे पर भी कंपनसेसन उचित मूल्य पा ना तो खाद्य वर्ष तमाम जिते बड़े नष्ट हो जाए सुनिश्चित चाषी गरम हो जाती तार प्रतिवाद बाबद आज घेराव कर उद्देश्य या जे डिपार्टमेंट यथासंभव एरिया हाथी को घोड़ेबार सुबंदोबस्त करतु। भोपाल रानी कमलापति स्टेशन उद्घाटन करिसेंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देशर प्रथम विश्वस्तरीय मॉडल स्टेशन जेउठारे यात्री मानक अंतरराष्ट्रीय विमान बंदर रे मिलितबा समस्त सुविधा उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में भोपाल रानी कमलापति बरखेड़ा लाइन का तिहरीकरण, गुना ग्वालियर खंड का बिजलीकरण, फतेहाबाद चंद्रावती गंज उज्जैन और मथेला निमारखेड़ी खंड का बिजलीकरण और उसे ब्रॉडगेज में बदलने के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इन सभी सुविधाओं के बनने से मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त रेल रूट में से एक पर दबाव कम होगा और पर्यटन तीर्थाटन के अहम स्थानों की कनेक्टिविटी अधिक सशक्त होगी। विशेष रूप से महाकाल की नगरी उज्जैन और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इसके बीच मेमू सेवा शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ होगा। इस स्टेशन को पब्लिक एवं प्राइवेट पार्टनरशिप रे विकसित करा जाय छी। रानी कमलापति स्टेशन योजना रे 450 कोटी टंका खर्च होई छी। उद्घाटनी समारोह रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदे प्रधानमंत्री मोदी सबुज पताका देखाई एहार उद्घाटन करते। अवसर में कार्यक्रम को संबोधित कर प्रधानमंत्री कहते आज दिन सारा देश गौरवपूर्ण इतिहास एवं वैभवशाली भविष्य संकल्पन दिन यह ऐतिहासिक स्टेशन पुनर्विकसित होना बर किन्नरगड़ राणी कमलापति ना यहसह जोड़ी यार महत्व को अधिक बढ़ाई। देश में शेष होगा ब्रिटिश अमल नियम एणिक देश में हो पार 24 घंटा शव व्यवच्छेद। सूर्यास्त पर भी शव व्यवच्छेद को केंद्र सरकार अनुमति प्रदान कर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य घोषणा कर। श्रीनगर देहरपुरा सुरक्षाकर्मी को बड़ सफलता एनकाउंटर सुरक्षाकर्मी गुड़े जड़े आतंकवादी निहत काश्मीरी पुलिस पक्षर यह सूचना दीजिए। एवं भी अंचल में गुड़ विनिमय जारी रही बेले अंचल सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर। मोगल शासकों प्रेम से कांग्रेस नेता अत्याचारी मोगल को निजर बोली कही एवं बात में कांग्रेस वरिष्ठ नेता मणिशंकर आय पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रति अशालीन शब्द प्रयोग कर निंदित होता मणिशंकर
କହିଛନ୍ତି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଆକବରଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତାଙ୍କର ଏପରି ବୟାନକୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। लगातार खराब अवस्था थिबा दिल्ली प्रदूषण को नहीं एबे एक्शन मोड्रे सुप्रीमकोर्ट दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार को देखते गुरुत्वपूर्ण निर्देश। प्रदूषण सृष्टि करुवा पांचटी कारण को नियंत्रण करने आगामी 24 घंटा मध्य पदक्षेप ने निर्देश। निर्माण कम पावर प्लांट शिल्प परिवहन और ट्राफिक भली समस्या प्रदूषण बढ़ाऊण करने आसंता बुधवार सकाल सुधा एक्शन प्लान कोर्ट आगे उपस्थापित करने को कहपर मान्यवर कोर्ट परवर्त शुणी आरंभ करेंगे। केतके पड़ोसी राज्य में नड़ा चलवा जो प्रदूषण 10% हेले से ही सब् राज्य और दिल्ली सरकार को डाक मंगलवार दिन एक जरूरकालीन बैठक करने को केन्द्र सरकार को परामर्श देते सुप्रीमकोर्ट। या सहित दिल्ली में केन्द्र सरकार कार्यालय कर्मचारी घर ऑफिस व घर ऑफिस काम करने कोर्ट परामर्श दे। सुप्रीमकोर्ट दिल्ली प्रदूषण को नियंत्रण करने उभय दिल्ली और केन्द्र सरकार को कड़ा निर्देश देवापर एवं पदार पड़ा अरविंद केजरीवाल विफलता। दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण खराब हो चलते से कौन से पदक्षेप नहीं ना दिल्लीर आप सरकार सूचना आईन बल में मिले तथ्य सामना को अमित मालव्य केजरीवाल जवाब मांगी दिल्ली बीजेपी। जन्मस्थान रायगढ़ को फेरी मणिपुर शहीद होता आसाम राइफल्स कर्णेल विप्लव त्रिपाठी पार्थिव शरीर आतंकवादी आक्रमण में शहीद होते विप्लव त्रिपाठी और अन्य चारिज जवान यह सहित विप्लव पत्नी और 8 वर्ष पुओ प्राण घटना घटना हुई है। पूरा रायगढ़ आज जनसैलाब उपला है और शहीद विप्लव भाई और उसके परिवार को सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। रायगढ़ जिले के हमारे सपूत आज हमारे साथ नहीं है। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, आज उनका शहादत हुआ है। हम सब के लिए बहुत दुख का बेला है ये और खासकर परिवार के लिए बहुत दुख का बेला है। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि उनको उनके परिवार को इस संबल प्रदान करे और ताकत दे ताकि इस दुख के बेला को वो झेल सकें। पूरा हम लोग पूरे रायगढ़ वासी छत्तीसगढ़ वासी परिवार के साथ हैं और रायगढ़ जिले के लिए और परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है और मेरी यही मांग है कि जिस तरह से ये घटना हुआ है इसके करने वालों को भी वैसी ही सज़ा मिले। आज पूरा रायगढ़ उमड़ रखा है, लोगों का जनभावना है, शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए और इसलिए सब लोगों के जनभावना इससे जुड़ी है। ये सैलाब जो आप दिख रहा है ये लोगों के मन में जो भाव थी स्वस्फूर्त था वो लोग आए हैं निकले हैं और सब लोग अपने बेटे को अपने भाई को अपने सखा को अंतिम श्रद्धांजलि देने आए हैं। ये एक लोगों के लिए एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। जी हाँ बिल्कुल, प्रेरणा स्रोत है, नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है क्योंकि जब मैं स्वयं छोटा था तो मेरी यही इच्छा थी कि मैं भी आर्म फोर्स को ज्वाइन करूं लेकिन कुछ कारणों से नहीं कर पाया। तो एक नौजवान के मन में यही इच्छा होती है कि वो देश के लिए कुछ कल कर गुजरे और मुझे लगता है कि आने वाले पीढ़ियों को ये उनके खून में उबाल जरूर लाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि जिन लोगों ने ये घटना की है उनके साथ उनके लिए भी इसी तरह का सजा हो कानून में रहते हुए कानून के अंतर्गत। लेकिन जिस तरह से घटना हुआ है इसने पूरे देश को झकझोर दिया है और हम लोगों के सीने में तभी ठंडक पहुंचेगी जब इनके करने वालों का भी अंजाम वही होगा। परलोक रे पद्म विभूषण बाबा साहेब पुरंदर महान ऐतिहासिक तथा लेखक बाबा साहेब पुरंदर आज देहांत हो भोर 5:07 से शेष निश्वास त्याग कर मृत्यु बेलू 99 वर्ष बयस होता और बाबा साहेब पुरंदर थे जड़े ख्याति संपन्न लेखक ऐतिहासिक और थिएटर व्यक्तित्व जो कि सरकार का नुआ नियम राज्य में गाई मान शीघ्र चिकित्सा जगैवा लगे डायल 112 जरूरकालीन हेल्पलाइन सेवा लाइन में अभिनव आंबुलांस सेवा आरंभ करने को जा। यूपी दुग्ध मत्स्य और पशुपालन मंत्री चौधरी कहते
जे राज्यव्यापी एही सेवा आरंभ करबा को 515 टी एम्बुलेंस प्रस्तुत होइछि। शहीद बिरसा मुंडा को जयंती जनजातीय गौरव दिवस अवसर में शहीद बिरसा मुंडा को गां झारखंड रो खुंटी जिला रे पहुंचीथिले केंद्र संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी एवं केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री अर्जुन मुंडा। बिरसा मुंडा को निज जन्ममाटी उलीहाटो गाँव में पहुंची भेटिथिले शहीद वंशज और अनुगामी को। केवल से नुहे वयस्क तथा वरिष्ठ सदस्य को सम्मान जनवा जा पाद धोई कि जिन्होंने हम देशवासियों को सभी जनजातीय आदिवासी समाज को अपने आंदोलन के बल पर इतिहास कायम करते हुए हमें प्रेरणा दी। उनके जन्मभूमि पर आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूँ। यह हमारे लिए सुखद अनुभूति है कि जब इसके साथ साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को अब हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश के जनजाति समाज ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष मनाएगा। तो यह जो फैसला है इससे इस माटी की गरिमा बढ़ी है, इस माटी के लाल की गरिमा बढ़ी है और जनजाति समाज में जिन लोगों ने विभिन्न समयों पर आंदोलन के बल पर इतिहास कायम किया, संघर्ष के बल पर इतिहास कायम किया, वैसे समस्त लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक बहुत बड़ा अवसर और उनसे प्रेरणा लेने का समय हम सबको मिला है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले दिनों में हम जनजातीय समाज को आगे लेकर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कला संस्कृति भाषा के साथ साथ ऐसे गाँव की जो अपनी विशेषता है उन विशेषताओं को लेकर के कैसे आगे बढ़ें, ये प्रधानमंत्री चाहते हैं, देश के जनजाति समाज चाहता है कि अब हम पीछे नहीं रहे। हम उन मौलिक बातों का समाधान करते हुए जो इतिहास हमारे पूर्वजों ने बनाया है उस इतिहास को बनाए रखें, यह हम सबका देश है। तो ये बहुत बड़ा फैसला भारत के मंत्रिमंडल में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से हम मानते हैं कि यह ऐतिहासिक क्षण है जब हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचे माननीय प्रधानमंत्री। पार्लियामेंट हाउस में जो आदमकद मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया और आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कई समारोह में और कई कार्यक्रमों का शामिल होंगे और उद्घाटन करेंगे। सामाजिक छोटा ब्रेक रो ब्रेक पर जारी रहेगा खबर अभिजन। ब्रेक पर स्वागत। मंगराजपुर बेरणा स्थित नंदगांव वृद्ध गोसेवा आश्रम में गोपोष्टमी महोत्सव एवं बालुकपाल दिवस समारोह अनुष्ठित हो जाएगी। गोसेवा आश्रम परिसर में संगठन सभापति कमल कुमार सिकारी पौरोहित्य आयोजित कार्यक्रम में गोसेवक अमर प्रसाद शतपथी चेयरमैन डॉक्टर किशन लाल प्रमुख जोगदे थे। इलापंडा फाउंडेशन तरफ चौथा पौरपालिका 9 नंबर वार्ड तेलुगु बस्ती एक कम्युनिस्ट हल लोकार्पित हो जाएगी। चौथार कटक विधायक सौभिक विशाल इम्फार उपसभापति विनय अग्रवाल और पूर्वतन काउंसिलर करुणाकर साहू अतिथि भाव जोगद 4 लक्ष टा व्यय निर्माण होता हल को उद्घाटन कर। जनजाति गौरव दिवस पालन अवसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी भोपाल जम्बुरी ठारे जनजाति लोकों निमन्ते विभिन्न कल्याणमूलक कार्यक्रम शुभारंभ कर। श्री मोदी सारा देश में 50 एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालय शिलान्यास कर। नवरंगपुर जिलार पापड़ाहांडी ब्लक सेमुणाठारे एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालय शिलान्यास कर। जिलार दीर्घ दिन दावी को नहीं बौद्ध जिला कांग्रेस पक्ष अहरात्र गणधारणा बौद्ध
गढ़ एनईसी को पौरपालिका घोषणा करने सहित कंटामाल मनमुटा बाउसुनी एवं पुरा कटक को नूतन एनईसी घोषणा दाबी कांग्रेस पक्ष जिलापा कार्यालय सम्मुख में गरण धारणा कांग्रेस आंदोलन चलीजे इटा खाली बहुत के एनएससी रु खाली म्युनिसिपालिटी लगी नुहे इटा जो पुराण कटक एनएससी कर जिला कांग्रेस कमिटी दाबी करचे मनमुंडा के भी कर गोटे एनएससी कर बांसुणी के कर गोटे कंटामाल के भी कर गोटे जिला हालापर जदि नाई हवा गोटे एक्सपांड ना हवा इमान किसी मनोवृत्ति ना स्थानु सियाड़ू जहाँ आसवा इन करेंगे इन्हें जेन मैंने प्रतिनिधि अच्छा खाली नाटा खाली प्रतिनिधि हाजी बाला बौद्ध जिले कंटामाल मनमुंडा बांसुणी आ पुराणा कटक के एनएससी करवार जेन दाबी से दाबी सरकार आज जाए घोषणा कले ना जेनतिर लगे कि जिला कांग्रेस कमिटी निष्पत्ति नेला एवं आज ठारू तीन दिनिया अहोरत्र धारणा जिलापाल कार्यालय सम्मुखें दिखे आगामी दिन में यहाँ गोटे विप्लवात्मक कार्यपन्था हिसाब से ग्रहण करके जिला कांग्रेस कमिटी प्रत्येक गाँ के प्रत्येक जिला के प्रत्येक लोक निके पहुँचवा। अनुगुल जिला कलिहरी थाना पुलिस एक चाकरी देवाना ठके अभियोग में मानव अधिकार कर्मी भजमन विशाल को गिरफ्त कर भजमन विशाल निजर मानव अधिकार कर्मी कही तालचेर अंचल मंदधरी नाहकों चाकर कराइवा ना 40,000 टंका नेतिबा अभियोग होता कलिहारी थाना रे एने अभियोग पर पुलिस भजमन विशाल को गिरफ्त कर। शिशु अधिकार सप्ताह पालन अवसर में ई महक उद्घाटित नवेम्बर 14 रु 20 तारीख पर्यंत शिशु अधिकार सप्ताह पालन अवसर में महिला और शिशु विकास विभाग पक्षर् शिशु जत्न अनुष्ठान शिशुमान प्रतिभा विकास सप्ताहव्यापी ई महक कार्यक्रम आरंभ हो एथसत शिशुमान स्मार्ट शिक्षा प्रदान राज्यर 238 शिशु जत्न अनुष्ठान को ई शिक्षा कार्यक्रम संप्रसारित हो। पुरी में पौर प्रशासन पक्ष जनसाधारण यूजर्स फी आदाय और टाटा पावर पक्ष अधिक विद्युत बिल आदाय प्रतिवाद में बीजेपी विक्षोभ उदाहरण स्थानीय विधायक जयंत षडंगी नेतृत्व में बीजेपी कर्मी जिलापा कार्यालय सम्मुखें यह प्रतिवाद करते टाटा पावर कर्तृपक्ष और निर्वाही जंत्री को एने रिपोर्ट देवा निर्देश दिया जिलापा गुहाल पाइबा योजनार वंचित गोरों सहित धारण में बसिले बौद्ध जिला खलियापाली पंचायतर तालपतर गांवर गोपाक कार्तिक महाकुल एमजी एनआरईजीएस योजन गाई गुहाल पाइबा जड़े आवेदन करते चाषी तेरे गुहाल प्रदान करा शेषे गोपाक जनक गोरु धरी प्राय 40 किलोमीटर चली आसे जिलापा कार्यालय आगे धारणा देते निज जेजे स्मृति में एक पक्का घर या डाक सेवा जोगाई अंचलवासी उद्देश्य उत्सर्ग कर जाजपुर जिला परी ब्लक अंतर्गत किंबिरीपाड़ पंचायत उदयपुर ग्रामर स्वर्गत गौरंग चरण महांती नाती बद्रीनारायण महांती और बीरंची नारायण महांती दुई नाती महानता को साधारण बे प्रशंसा कर नीलगिरी लैंप सजनागड़ सोसाइटी रे ऋण न करी गरीब खटिकिया मुंडे एवं हजार हजार टंकार ऋण को नहीं असंतोष देखा लोन नाम बड़धरण दुर्नीति अभियोग बालेश्वर जिला नीलगिरी लैंप अधीन सजनागड़ शाखा सोसाइटी रे एभली संगीन दुर्नीति सामना पशि ओडिशा ऑटो चालक संघर रणहुंकार सात दफा दाबी राजधानी राजमार्ग में जोरदार विक्षोभ ड्राइवर को करोना योद्धार मान्यता देवाक दाबी एकाम्र हाट निकटर शताधिक ऑटो चालक लॉयर पीएमजी पर्यंत रैली रे जिबा परे प्रतिवाद करे खोद बीजेडी सरपंच एवं असुरक्षित सुरक्षा पाई सुप्रीमो पाखरे गुहारी गुहारी नहीं नवीन निवास आसीता बेले भेटी पारे सुप्रीमो को अटकईते पुलिस गाँ पोखरी मछमरा को केन्द्र कर बद उपजा एने खुंटुणी थाना अभियोग होते कौन पदक्षेप नि अभियोग खोद बीजेडी सरपंच वृद्धा होता बेले से सुरक्षित नुहंती तेज राज्य में अन्य महिला सुरक्षा को उठी प्रश्न राजधानी पुणी विपुल परिमाण धला जहर जबत 260 ग्राम ब्राउन सुगार जबत कला लक्ष्मी सागर थाना पुलिस जबत ब्राउन सुगार मूल्य 26 लाख टंका हेबो बोली जनापड़ी घटन जन को गिरफ्त कर पुलिस तेज जबत ब्राउन सुगार बालेश्वर आसीतिबा सूचना मिली। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग अधीन विभिन्न स्कूल में चली सुरभि कार्यक्रम में प्रतियोगी को पात्र अंतर कर सुरभि कार्यक्रम में शिशु महोत्सव
गाइडलाइन उल्लंघन करथिबा प्रतियोगी प्रथम स्थान अधिकार करथिबा बेले गाइडलाइन पालन करथिबा प्रतियोगी द्वितीय स्थान अधिकार करिछन्ते अभियोग आसी कटक रेवेन्सा कॉलेज एट स्कूल रे चलीथिबा जिला स्तरीय शिशु महोत्सव रे झारसुगुड़ा बीजेपी कर्मी गुंडागर्दी मंत्री नव दास और सुशांत सिंह को कला पताका प्रदर्शन बेले बीजेपी कर्मी को बीजेपी कर्मी आक्रमण करिस उपस्थित शासक दल कर्मी आक्रमण करक्रमणकारी बदल में बीजेपी कर्मी को उठाई नहीं पुलिस बीजेपी कर्मी आक्रमण घटना को नहीं बीजेपी कर्मी थाना एतला निज निर्वाचन मंडल गोप ब्लक गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कला पताका प्रदर्शन ममिता मेहर को न्याय पाई एभली प्रतिपाद करा प्रतिपाद बेले बीजेडी कर्मी और बीजेपी कर्मी मध्य मुहांमुही परिस्थिति उपजिता सीमांत छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिले में पुलिस माओवादी गुड़ विनिमय जड़े माओवादी निहत माओवादी कंपनी नंबर छ कमांडर सकेट नुरुति मृत्यु कुमिंग अपरेसन एके 47 सह अनेक माओ सामग्री उद्धार कर महालिंग सनसाइन पब्लिक स्कूल अध्यक्ष ममिता मेहर हत्या घटना हत्याकारी गोविंद साहू और तार सहयोगी राधे चंडी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से बंगमुंडा जेएमएफसी में हाजर कर सुरक्षा व्यवस्था दृष्टि जोगु वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से कोर्ट में हाजर कर सरकारी वकील वासुदेव राय पदाक आसला टाउन टाइगर सुराग केवीएन ग्यांग्र किसी युवक टाउन टाइगर नाम पतियारा जाहिर करने ग्यांग मुख्य लक्ष्य था पुलिस आक्शन पर ग्रुप्र अनेक युवक लेफ्ट होगले खोज पुलिस चाकरी देवा ना ठके अभोग मामला पुणी रिमांड में आसब अभुक्त बैकुंठ नायक एग्रीमेंट कर टा ना बैकुंठ एग्रीमेंट में हाथ उधारी कथा लिखुला यूडब्ल्यू हाथ में सतर एग्रीमेंट निजक एएसओ परिचय देखा परीक्षा दे निजे विफल होता बैकुंठ बैकुंठ नारे चाकरी पाई अन्य जने कर्मचारी आई कार्ड चोरी करी व्यवहार करते संपर्कों ना खोली अकाउंट तातिले कनिष्ठ शिक्षक निजुक्ति दाबी राजधानी राजरास्तार गर्जिले विधानसभा भितरक पशाक कनिष्ठ शिक्षक संघर उद्यम हठात फाटक निकट में पहुंच ठेली पशाक उद्यम करते संघ दावी पूरण नई मरबु कही पशाक उद्यम करते फाटक में मुतयन पुलिस कर्मचारी शिक्षक संघ मुहांमुही पुलिस बंझार मिश्र चाष विष केन्द्रापड़ा समेत जाजपुर कटक भुवनेश्वर खोर्धा जगतसिंहपुर आदि स्थान बहु नामीदामी संस्था और युव समाजसेवी मानू पुरस्कृत कराइबा ना कही राजपाल लक्षाधिक टंका लुट करुथिले मिस्टर चाष विष अभियुक्त जनक जाजपुर जिला बालीचंद्रपुर थाना अधीन भरतपुर गांव अविनाश सामल पुणि बिवाद में उत्तरांचल डीआईजी दीपक कुमार को टारगेट कले सांसद बसंत पंडा कहले थैथान देवाई राजनैतिक बयान देखते डीआईजी गृहमंत्री को सुरक्षा दे सरकार का बड़ बुक्रे गुड बुक्रे स्थान पाइबा दीपक कुमार आशा रखी राजनैतिक बयान रखिंट दीपक कुमार उत्तरांचल डीआईजी जेन हिसाब से गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र को संरक्षण दे चलीछन एवं तांकर निर्दोष अन् बोलिकी जेन हिसाब से प्रमाणित कर चलीछन एटा बड़ दुख एवं दुर्भाग्यर विषय एवं संपूर्ण रूप से असंवैधानिक कार्यक्रम संविधान कोर्ट कचेरी तार निष्पत्ति नवा दीपक कुमार किए नुहन शायद दीपक कुमार इच्छा थिवा आगामी दिन में कौन सी राज्य सरकार प्रिय पात्र होकर थैथान हबारपाई से प्रकार पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर ये केस को दुर्बल कर चलीछन ममिता मेहर हत्याकांड हो कि महालिंग कॉलेज नारी निर्यातना घटना मान घटनावल कथबार्ता होटा इंटेनसनाली राज्य सरकार प्ररोचन दीपक कुमार कर चलीछन बोलिक आम अनुभव हो समय सारे बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।